हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल जीएस स्पार्क और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं जो है कि निवारक निरोध अधिनियम के बारे में। दोस्तों जैसा कि पता ही होगा, मेरा नाम जीएस एक्सपर्ट शशिभूषण सिंह है और यहां मैं आप लोगों को जीएस के हर टॉपिक से रिलेटेड जानकारी देता रहता हूँ और इसी के कालखंड क्रम में आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ निवारक निरोध अधिनियम। निवारक निरोध अधिनियम क्या होता है दोस्तों? समय समय पर ये जो हमारा समाज है इसमें कुछ ऐसे खूंखार आपराधिक किस्म के व्यक्ति हो जाते हैं जो हमेशा हर जगह कुछ बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में लगे रहते हैं, तो इन लोगों को इनकी घटनाओं को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार करने की क्रिया को हम लोग किस नाम से जाना जाता है? निवारक निरोध अधिनियम। यानी इसमें बड़े बड़े अपराधियों को अपराध करने से पहले ही रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है मेरे भाई, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें निवारक निरोध अधिनियम की, तो समय समय पर निवारक निरोध अधिनियम आते हैं। इसका मतलब मेन फंडा क्या है? इसका मेन फंडा यह है कि गिरफ्तार किसी भी व्यक्ति को जो है कि अपराध करने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए, जिससे उस आपराधिक घटना को रोका जाए जिस घटना का संबंध लोक व्यवस्था, क्या मेरे भाई, लोक व्यवस्था यानी राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित मामला हो। समझे? कोई बड़ा मैटर, समझ में आया, बड़ा मैटर, लोक व्यवस्था या राष्ट्र सुरक्षा से संबंधित मामला हो तो अपराधी को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसा कि मेरे भाई, अगर आपको पता हो कि इलाहाबाद में जो है कि कहीं पे बम लगाना है तो क्या पहले बम बजा के वहां पे सब उड़ा दिया जाएगा उसके बाद पुलिस आएगी? नहीं। अगर किसी को पता है कि हाईकोर्ट में कोई भी घटना घटित होने वाली है तो उस डेट से पहले भी उसके षड्यंत्रकर्ताओं को पकड़ा जाएगा। तो ये हो गया। सबसे पहले अगर ऐसे आदमी को पकड़ा जाता है तो क्या होता है, उसको 3 माह तक, 3 माह से ज्यादा तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। दूसरा, कारण भी नहीं बताया जाएगा। दूसरा क्या है मेरे भाई, कारण भी नहीं बताया जाएगा, कारण भी नहीं बताया जाएगा। और तीसरा, अभ्यावेदन देने के लिए अवसर दिया जाएगा, अभ्यावेदन देने के लिए अवसर दिया जाएगा। समझ लो मेरे भाई। सबसे पहले कल ही मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 22 में तो कितने घंटे तक, 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तार करके नहीं रखा जा सकता ना। पहला क्या है, 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तार करके नहीं रखा जाता, लेकिन यहाँ कितना रखा जा रहा है, 3 माह। दूसरा, कारण भी नहीं बताना है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कारण बताया, यहाँ कारण भी नहीं बताया जाएगा। वहां मैंने बताया था कल की कारण बताना जरूरी है 22 में ना, लेकिन यहाँ पे कारण बताना जरूरी नहीं है। और अगर गिरफ्तार व्यक्ति है तो हाँ, उसको अपील करने के लिए यानी उसको अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो सबसे पहले बात मैं करूँ आप लोगों से, जो पहला निवारक निरोध अधिनियम आया था मेरे भाई, निवारक निरोध अधिनियम कब आया था, 1950 में कब आया था? अच्छा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दूँ, 3 माह, 3 माह का मतलब कि वहां पे 24 घंटा था, लेकिन यहाँ पे गिरफ्तार करके बिना कारण बताए 3 महीने तक गिरफ्तार करके रख सकता है। और अगर उसके बाद भी पुलिस को ऐसा लगता है कि हमको और ज्यादा समय तक इसको रिमांड पे लेना है तो वह क्या कर सकती है, वह एक समावेदन दे के इस 3 माह के अवसर को भी बढ़ा सकती है। दूसरा, कारण भी नहीं बताए, चाहे तो कारण न बताए। अगर कोई ऐसा मामला है जो देश हित से चाहे राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ मामला है और अगर उस मामले को डिस्क्लोज किया जाए तो लोक व्यवस्था शांति में विघ्न बाधा व्यवधान कारित होगा, तो ऐसे कंडीशन में कारण भी नहीं बताया जाएगा। और अभ्यावेदन मतलब उसको अपील करने की पावर दी जाएगी। तो सबसे पहला जो निवारक निरोध अधिनियम आया मेरे भाई, निवारक निरोध अधिनियम आया था 1950 में। कब आया मेरे भाई, 1950। यह आया था भैया मेरे 26 जनवरी 1950 को आया था और इसको 1 अप्रैल ना मेरे भाई, 1 अप्रैल 1951 को समाप्त होना था, 1 अप्रैल 1951, लेकिन यह समाप्त कब हुआ, यह 30 दिसंबर 1971 को क्या हुआ, समाप्त हुआ, या 30 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ निवारक निरोध अधिनियम 1950। भारत देश को आज़ादी मिली थी, बहुत सारे उस समय बाहुबली नेता थे जो बार बार भारत के अंदर आंतरिक गतिविधियां कर रहे थे, उनको दबाने के लिए भारत देश की आज़ादी के बाद पहला निवारक निरोध अधिनियम 1950 में आया। 26 जनवरी 1950 को आया था, 1 अप्रैल 1951 को समाप्त होना था, लेकिन 30 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ,
30 दिसंबर 1971। उसके बाद दूसरा देखो भैया, आंतरिक व्यवस्था अधिनियम, इसे मीसा के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें आंतरिक व्यवस्था के नाम पे यहाँ पे पहली बार जो है कि इस को लेके आया गया था, जिससे हम भारत देश के अंदर की व्यवस्था को संचालित अच्छे ढंग से कर सके। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 इसके प्रतिकूल था, और यह 1989 में कब मेरे भाई, 1989 में समाप्त हो गया। 1989 में मेरे भैया समाप्त हो गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, आंतरिक व्यवस्था अधिनियम 1971। उसके बाद आएगा विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी निरोध अधिनियम 13 जुलाई 1984 को यह समाप्त हुआ। कब समाप्त हो गया, 13 जुलाई 1984 को। विदेशी मुद्रा मतलब जो लोग सोने के बिस्कुट या जानवर या नशा मादक पदार्थ ये लोग लेके आते हैं, उसी को हम लोग कहा जाता था तस्कर। तस्कर का मतलब क्या होता है कि सरकार को बिना टैक्स दिए माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना। किसको, सरकार को बिना टैक्स दिए माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना, किसी भी मुद्रा को या तो किसी भी वस्तु को। तो 13 जुलाई 1984 में समाप्त नहीं हुआ, यहाँ पे 13 जुलाई 1984 से पहले इसमें नज़रबंदी 1 माह के लिए थी, लेकिन यहाँ पे जो है कि नज़रबंदी 1 साल के लिए थी, लेकिन इसके बाद 13 जुलाई 1984 को कितने साल के लिए हो गई, 2 साल। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अगर विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी निरोध अधिनियम के अंतर्गत पकड़ा जाएगा तो उसको इतने साल तक पुलिस नज़र बंद करके रखेगी, मतलब उसके ऊपर निगाह बना के रखा जाएगा। पहले 1 साल था, लेकिन 1984 के बाद इसको 2 साल कर दिया गया। यह भी निवारक निरोध अधिनियम था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, सरकार के इसका उपयोग अधिकतर सरकार जब कोई भी धरना या कोई प्रदर्शन या इस तरीके का कांड किया जाता है जिससे वहां पे लोक अशांति विघ्न बाधा पहुंचने की आशंका उत्पन्न हो, तो ऐसे समय में ना ऐसे समय में क्या होता है, ऐसे समय में मेरे भाई यहाँ पे जो आएगा उसे कहा जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 के नाम से जाना जाता है। इसे शॉर्टकट में बार बार पुलिस वाले रासुका भी बोलते हैं। आगे आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून टाडा, बहुत ही खतरनाक कानून था। और ये जो है कि आपका 23 मई 1995 को ये समाप्त हो गया। और इसी के अंतर्गत टाडा के अंतर्गत संजय दत्त को भी गिरफ्तार किया गया था। और यह एक खतरनाक कानून के अंतर्गत इसको रखा जाता है, बहुत ही खतरनाक कानून था जिसमें कई निर्दोष लोगों को भी गिरफ्तारी हो गई थी। और इसी को देखते हुए इसे बाद में समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो खतरनाक जबरदस्त कानून है उसको कहा जाता है पोटा। पोटा हमारा जो है यह 25 अक्टूबर 2001 को यह क्या बना था, ऑर्डिनेंस। और 28 मार्च 2002 को यह क्या बन गया, अधिनियम। कब बन गया था, 28 मार्च 2002। और इसके बाद 21 सितंबर 2004 में इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। दोस्तों गौर करिएगा जरा आप लोग, हम लोग देख रहे हैं पोटा जिसे प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2000 में, बार बार पूछता है, गौर करेंगे सभी लोग पोटा का फुल फॉर्म ना। पहले इसको कहा जाता था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, पहले यह अध्यादेश था। अध्यादेश का मतलब क्या था कि राष्ट्रपति ने इसको डायरेक्ट उस समय लागू किया हुआ था, यह अभी पास नहीं हुआ था। 25 अक्टूबर 2001 कब मेरे भाई, 25 अक्टूबर 2001 को उस समय राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश के द्वारा एक नियम कानून लाया जिसका नाम क्या था, पोटा। उसके बाद प्रिवेंशन, लेकिन 28 मार्च 2002 को जब यह दोनों सदनों से 28 मार्च 2002 को जब दोनों सदनों से पास हुआ तो इसको कहा गया प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। पोटा का फुल फॉर्म अगर पूछ लेगा तो आप बताओगे प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, क्या बताओगे, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट।
तो आपने देखा कि 25 अक्टूबर 2000 को 2001 में यह अध्यादेश बना, 28 मार्च 2002 को यह क्या हुआ लागू हुआ, और 21 सितंबर 2004 को यह क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को किसके बारे में बताया, आज मैंने महत्वपूर्ण रूप से आप लोगों को निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत बताया। निवारक निरोध अधिनियम उसे कहा जाता है जिसमें अपराधी को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जा सकता है, किया जाता है, जिससे होने वाले अपराध को रोका जा सके ना। और इसमें सबसे पहले क्या था कि 3 माह से ज़्यादा, साधारण कंडीशन में तो 24 घंटा है, लेकिन अगर निवारक निरोध अधिनियम है तो यहाँ पे कितने घंटा, 3 माह से ज़्यादा गिरफ्तार करके रख सकते हैं। अगर उनको पता है कि जो इसका कारण बताना जरूरी नहीं है तो वह कारण भी नहीं बताएंगे ना। उसके बाद अभ्यावेदन, मतलब आपको अपील करने की पावर तो दी जाती है। उसके बाद मैंने बताया कि ये आपके निवारक निरोध अधिनियम 1950 में आया था, भारत देश की आज़ादी के बाद जो आंतरिक गड़बड़ियाँ पैदा हो रही थी उनको रोकने के लिए, जो 26 जनवरी 1950 को पहली बार लागू हुआ था। कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, और 1 अप्रैल 1951 को इसको समाप्त होना था, लेकिन गतिविधियां रुकी नहीं, इसी वजह से यह गया 1971। दूसरा है आंतरिक व्यवस्था अधिनियम ना 1971, मतलब भारत देश के अंदर के मामलों को सुधारने के लिए। 44वां संविधान संशोधन 1978 इसके प्रतिकूल था और यह 1989 में समाप्त हो गया। विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी निरोध अधिनियम यह कब आया था, 1974 में, 13 जुलाई 1984 से पहले इसमें नज़रबंदी की आयु थी 1 साल सीमा, और अब कितनी है, 2 साल। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां कानून टाडा 23 मई 1995 को इसको समाप्त कर दिया गया। और पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 25 अक्टूबर 2001 को क्या किया गया, लागू किया गया। 28 मार्च 2002 को अधिनियम बना और 21 सितंबर 2004 में दोस्तों इसको समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार था ये चैप्टर यहीं पे क्लोज हुआ, और इसके बाद जैसे ही मैं आगे आप लोगों से मुलाकात करूंगा यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार ना दोस्तों। तो जाहिर सी बात है हम लोग आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करते हैं और आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए फिर हाथ जोड़ के एक बार आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। और आप इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपना प्यार हम लोगों पे हमेशा बनाए रहिए। धन्यवाद।